जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय श्री श्री राधा नील माधव जी की, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, जय श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की, जय श्री श्री गौर नित्य जी की, जय तुलसी महारानी की, जय वृंदावन गोस्वामी की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय श्रील महाविष्णु गोस्वामी महाराज की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं, वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं, श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं, सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं, साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं, श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी माताजी, सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम मनोधर्म द रिलीजन ऑफ माइंड इसके ऊपर चर्चा करेंगे।
इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं का अलग अलग धर्म है। अग्नि है, अग्नि का धर्म है प्रकाश और ताप देने का। चीनी है, उसका धर्म है मिठास देने का। इसी तरह से संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनका कुछ न कुछ धर्म होता है। धर्म मीन्स द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच वी कैनॉट सेपरेट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। लाइक इफ आई वॉन्ट टू सेपरेट द हीट फ्रॉम द फायर इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स अ रिलीजन। धर्म मीन्स समथिंग विच वी कैनॉट सेपरेट फ्रॉम वंस एग्जिस्टेंस। तो जिस तरह से आग का धर्म है जलाना और इस धर्म को हम आग से अलग नहीं कर सकते, इसी तरह से हमारे मन का भी धर्म है। और वो मन का धर्म क्या है उसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कृष्ण भगवान हमको मन के धर्म के बारे में कुछ ज्ञान देते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए अलग अलग तरह से प्रेरित करते हैं। और इस अध्याय के अंत में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान मुझे ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर है ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताइए। तो भगवान श्लोक नंबर 55 अध्याय 2 श्लोक नंबर 55 से लेकर 72 तक 18 श्लोकों में ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है जिसकी बुद्धि भगवान में लगी है उसके लक्षण बताते हैं। और यह 18 श्लोक हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे महाराज जी हमको बोलते थे कि भगवद गीता भागवतम इज अबाउट अवर बिहेवियर। 90% ऑफ द श्रीमद भागवतम एंड भागवद गीता इज अबाउट अवर बिहेवियर एंड द 10% इज अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स। सो दी श्लोक्स श्लोक वर्स नंबर 55 टू 72 ऑफ चैप्टर 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रैक्टिस सो दैट वी कैन अप्लाई इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ। तो कृष्ण भगवान स्थित प्रज्ञस के लक्षण बताते हुए सबसे पहले जो चीज बताते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान, जहाति का अर्थ होता है गिव अप, छोड़ देना। प्रजहाति मतलब पूरी तरह से त्याग कर देना। प्रजहाति यदा कामान, यदा मतलब जब, कामान मतलब इच्छाएं, सर्वान पार्थ मनोगतान। तो भगवान कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब व्यक्ति पूरी तरह से अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मनि एवात्मन तुष्ट और अपनी आत्मा से ही संतुष्टि प्राप्त करता है, आत्मा ग्रहण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। तो यहां पर भगवान का जो आदेश है, भगवान का आदेश है कि हमें सारी इच्छाओं का त्याग करने का है। कामान, कामान का अर्थ है इच्छाएं, और इसका अर्थ है कि हमारे मन में एक इच्छा नहीं है, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं
कि अगर हम चाहें तो समुद्र की लहरों को गिन सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के मन में कितनी इच्छाएं हैं हम उसको नहीं गिन सकते। तो हमारे मन में अनगिनत इच्छाएं कैसे हैं? हमारे भगवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान बताते हैं कि पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, और इसके ऊपर मन है, और मन के ऊपर आत्मा, मन के ऊपर बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, भगवान। तो सबसे पहले हमारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों में हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, द नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विच आर आईज, ईयर्स, नोज, टच एंड द स्मेल। तो ये हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, दीज आर वेरी पावरफुल। और इन पांच इंद्रियों से ऊपर हमारा मन है, और कृष्ण भगवान यहाँ पर हमको बताते हैं, प्रजाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनुगतान, कि स्थित प्रज्ञा कौन है जो अपने सारी इच्छाओं को त्याग कर देता है। और इच्छाएं कहाँ पर उत्पन्न होती है? इच्छाएं मन के अंदर उत्पन्न होती है। मन इज द फैक्ट्री जहां पर हमारी इच्छाएं बनती हैं। हमारा हाथ है वो इच्छा नहीं बनाता, हमारी आंख है इच्छा नहीं बनाती, हमारे पैर हैं हमारी इच्छा नहीं बनाती, कान इच्छा नहीं बनाते हैं ना, ये हमारा मन है जिसके कारण हमारे मन में निरंतर कुछ न कुछ इच्छाएं बनती रहती हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनोगतान मीन्स मनोरथ, इट्स ए चैरियट ऑफ द माइंड। इस संसार में हमको अनुभव है रथ देखने का, जैसे जगन्नाथ जी का रथ होता है, हमको अनुभव है रथ को देखा है हमने उसको, तो एक वो रथ है जगन्नाथ जी का रथ है, दूसरा हमारा मन का रथ है, दोनों में बहुत अंतर है। जगन्नाथ जी का अर्थ सबसे पहली चीज तो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, और हमारा मन का रथ भौतिक है। और दूसरी चीज, जगन्नाथ जी का रथ इट्स अ ग्रॉस विच वी कैन सी, बट मनोरथ द चैरियट ऑफ माइंड वी कैनॉट सी, वेरी सटल। एंड दिस मनोरथ द चैरियट ऑफ माइंड इज वेरी फास्ट, द स्पीड ऑफ माइंड इज फास्टर देन द इलेक्ट्रिसिटी, फास्टर देन द विंड, इट्स वेरी फास्ट। एंड अनदर थिंग, दिस माइंड इज ऑलवेज मूविंग, ये ऐसा रथ है जो हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। और कहाँ चलता है? इच्छा बनाने के लिए, इट्स ऑलवेज मेकिंग, इट्स ऑलवेज क्रिएटिंग द डिजायर्स। इन भगवदगीता श्रीमद भागवतम शिला प्रभुपाद सेज दैट माइंड हैज थ्री फैकल्टीज, हमारे मन के तीन विभाग हैं, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। सो द थिंकिंग फैकल्टी ऑफ माइंड हैज गॉट इट्स ओन फंक्शन। सो द थिंकिंग फैकल्टी, और जो मन के सोचने का विभाग है, वह का क्या काम करता है? वह विश्लेषण का काम करता है। द थिंकिंग फैकल्टी will analyze the things, it will interpret the things, it will work to solve the problems then. So vishleshan karna, vyakhya karna, kisi samasya ka samadhan karna, ye jo man ke sochne ka vibhag hai, ye uske kaam hai. Aur jo sochne ka vibhag hai, uske ek bahut bada kaam hai, yojana banane ka. और किस चीज की योजना बनाने का? कि हम भौतिक सुख कैसे प्राप्त करें। एंड द अनदर फैकल्टी ऑफ माइंड इज विलिंग। विलिंग मींस
eager to do something, ready to do something. When I say I am eager to work hard, जब मैं बोलता हूँ कि मैं कठिन परिश्रम करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, ये किसी काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, तो यह विचार कहाँ से उत्पन्न होता है? यह हमारे जो मन का, ये मन की इच्छा करने वाला विभाग है, the willing faculty creates the thought that I am ready to, eager to do something. And the third faculty of the mind is the feeling, कि जो सुख और दुख का अनुभव करवाता है हमको. और हम कई व्यक्तियों के अंदर गुण देखते हैं, जैसे करुणा का गुण है, कंपैशन, द फीलिंग कंपैशन अबाउट समबडी, किसी जीव के प्रति दया का भाव उत्पन्न होना, यह हमारा मन के जो फीलिंग वाला विभाग है, ये उसके कारण होता है. और द फीलिंग फैकल्टी ऑफ द माइंड मेक्स अस फील हैप्पी एंड मेक्स अस फील मिजरेबल. Whenever we get in touch with the material objects, ये मन के कारण हम लोग सुख और दुख का अनुभव करते हैं. इस संसार की भौतिक वस्तुओं में सुख और दुख देने की क्षमता नहीं है. अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में अगर हम एसी चालू करेंगे तो हमको एसी से सुख नहीं मिलेगा, हमको दुख मिलेगा उससे, और बीमार भी पड़ सकते हैं. लेकिन वही एसी को हम गर्मियों में चालू करेंगे तो हमको उससे सुख अनुभव होता है. तो एसी तो वही है, लेकिन गर्मियों में उससे सुख अनुभव होता है और सर्दियों में उसी एसी से दुख का अनुभव होता है. तो ऐसा क्यों होता है? यह हमारे मन के कारण होता है. हमारा मन बोलता है कि अभी हमें इससे सुख मिल रहा है, अभी इससे दुख मिल रहा है. अदरवाइज उस एसी के अंदर हमें सुख या दुख देने की क्षमता नहीं है. और जो क्षमता है भी, तो वह बहुत सीमित क्षमता है. और इसी तरह से संसार में जितनी भी वस्तुएं, उन सब के अंदर हमें वास्तविक सुख दुख देने की क्षमता नहीं है. यह सिर्फ हमारा मन है जो कहता है कि अभी सुख मिलता है, अभी दुख मिल रहा है. नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मन परम कारणम आमनंति. तो जो हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है, और कभी कभी हम कहते हैं कि हम सुखी हैं, दुखी हैं, तो कहते हैं नायम जनों में, कि हमारे सुख और दुखों का कारण ना तो कोई व्यक्ति है, ना कोई देवता है, ना कोई ग्रह है, ना कोई कर्म है, ना काल है. यह हमारा मन परम कारण, सबसे बड़ा कारण है, परम कारण है हमारा मन है. तो शिल प्रभुपा जी हमको बताते हैं कि हमें अपने मन को ट्रेन करने की आवश्यकता है. आवर माइंड इज मेटीरियल, हमारा मन भौतिक है. तो भौतिक होने के कारण यह हमेशा भौतिक चीजों के बारे में सोचता रहता है. श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में और 34वें श्लोक में नारद मुनि हमें मन का स्वभाव बताते हैं. अब जैसे कृष्ण भगवान ने यहाँ पर बताया कि मनोगतान, कि ये हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तो उसी तरह से नारद मुनि इसकी और व्याख्या करते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में और 5वें अध्याय में. तो कहते हैं वह कि एतद् आतुर चित्तानां मात्रा इस पर शेष्य मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानु वर्णनम. सो कहते हैं कि एतद् आतुर चित्तानां मात्रा इस पर शा इच्छया मुहु. That's how we have to break it. कि एतद् आतुर चित्तानां, कि हमारा मन हमेशा आतुर रहता है. आतुर का अर्थ है फुल ऑफ एंजाइटी. अवर माइंड इज ऑलवेज फुल ऑफ एंजाइटीज
एंड व्हाट इज द एंजाइटी? मात्रा, स्पर्श. मात्रा का अर्थ है विषय और स्पर्श का अर्थ है इंद्रिय. हमारी आंखें ये इंद्रियां हैं. तो इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों का विषय क्या है? ऐसी व्यक्ति जिसका कोई रूप हो, जिस चीज को हम देख सकते हैं. द थिंग्स विच हैव द फॉर्म्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस एंजॉयमेंट फॉर माय आईज. तो अगर हम सोचें तो हमें एहसास होगा कि संसार के अंदर अनगिनत वस्तुएं हैं जिनके रूप हैं. सो ऑल दोज अनलिमिटेड थिंग्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट फॉर माय आईज. माय आईज वांट्स टू सी मेनी ऑफ दोज अनलिमिटेड थिंग्स. हैं सिमिलरली द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट फॉर माय ईयर is something which produces the sound. तो इस संसार के अंदर अनगिनत वस्तुएं हैं जिनसे ध्वनि निकलती है. तो वह सब वस्तुएं मेरे कान के विषय भोग हैं. इसी तरह से संसार के अंदर अनगिनत वस्तुएं हैं जो हम खा सकते हैं. तो वह सब वस्तुएं हमारी जिह्वा का भोग है. तो इस तरह से अगर हम इसके ऊपर विचार करें तो हमें एहसास होगा कि संसार के अंदर अनगिनत वस्तुएं हैं जिनके रूप हैं, जिनको हमारी आंखें देखना चाहती हैं. अनगिनत वस्तुएं हैं जिनसे ध्वनि निकलती है, हमारे कान उन ध्वनि को सुनना चाहते हैं. अनगिनत वस्तुएं हैं जो छूने में हमको सुख अनुभव देती है, हमारी त्वचा उनको छूना चाहती है. अनगिनत वस्तुएं जिनको हम खा सकते हैं, हमारी जिह्वा उनको खाना चाहती है. तो हमारा मन क्या करता है? द रोल ऑफ अवर माइंड इज टू कनेक्ट आवर सेंसेस विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स. हमारे मन का काम क्या है? वह हमेशा प्रयास करता है कि हमारी जो इंद्रिया है वह किसी तरह से उसका जो भोग है, विषय का भोग है, उससे जुड़ जाए ना. हमारी आंख को जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुओं का रूप है, उसको दिखाना चाहता है. कानों को भौतिक ध्वनि सुनाना चाहता है. जीवा को भौतिक वस्तुओं का स्वाद देना चाहते हैं. और संसार में जितनी भोग की वस्तुएं हैं उतनी हमारी इच्छाएं भी हैं. वो तो हमारा मन हमेशा इंद्रियों को उसके विषय भोग से जोड़ना चाहता है और उसको भोगना चाहता है. और इसीलिए कहते हैं कि एतद आतुर चित्तानाम. इसलिए हमारा मन हमेशा आतुर रहता है. इट्स फुल ऑफ एंजाइटीज. अगर कभी हमको लगे कि हमारा मन शांत नहीं है और इट्स फुल ऑफ द एंजाइटीज, दैट मीन्स आवर माइंड इज फुल ऑफ द मटेरियल डिजायर्स. एंड हाउ आवर माइंड राइड्स ऑन द मेंटल चैरियट. हमारा मन किस तरह से मनोरथ के ऊपर चढ़कर इच्छाएं बनाता है, इसके बारे में कृष्ण भगवान बहुत सुंदर रूप से हमको भगवद गीता के 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 13 से 15 तक तीन श्लोकों में कृष्ण भगवान मनोरथ के बारे में बताते हैं. और कृष्ण भगवान कहते हैं कि इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर्
हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ़यो आढ़यो अभिजन वानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहितः. The demonic person thinks, so much wealth do I have today, and I will gain more according to my schemes. So much is mine now, and it will increase in the future more and more. Idam madhya maya labdham imam prapse manoratham. Manoratham, mental chariot. तो जो व्यक्ति अपने मन के रथ पे सवार है वह क्या करता है, सबसे पहले वह धन के बारे में सोचता है. उसका मन हमेशा कहाँ रहता है, यह सोचने में कि आज मेरे पास इतना धन है और मेरे पास ये योजना है, इस योजनाओं के द्वारा मैं और धन कमाऊंगा और इतना धन अभी मेरा है और आने वाले समय में यह धन बढ़कर इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद भड़का और इतना हो जाएगा, यह इस तरह से सोचता रहता है. और हम सबका अनुभव है, अगर हम अपना अनुभव देखें तो हमारे मन में भी ज्यादातर समय इसी तरह का विचार आता है. सबसे पहले जो हमारी योजना होती है वह धन के बारे में होती है. आवर माइंड इज ऑलवेज बिजी इन मेकिंग द प्लान्स टू अर्न मोर एंड मोर एंड देन The mind thinks he is my enemy and I have killed him and my other enemies will also be killed. He is my enemy and I have killed him and my other enemies will also be killed. तो जो व्यक्ति मन के रथ पे सवार है उसका एक गुण और भी बताते हैं भगवान कि उसको लगता है कि उसके आसपास बहुत सारे शत्रु हैं और वह अपनी योजनाओं से उन शत्रुओं को मारेगा. और इस कृष्ण भगवान ने जो ये बोला है, जो मन का ये गुण है, इसका सबसे सुंदर उदाहरण कंस है. भागवतम के 10वें स्कंद के 36वें अध्याय के श्लोक नंबर 31 से 40 तक सुखदेव गोस्वामी कंस के बारे में बताते हैं कि जब कंस को मालूम पड़ा कि कृष्ण बलराम अभी जीवित है और वह उनका काल है, तो कंस तुरंत अक्रूर को बुलाता है और अक्रूर को अपने योजना बनाते हैं और योजना बताते हैं कि तुम तुरंत शीघ्र वृंदावन जाओ और वहां से तुम कृष्ण बलराम को लेके आने का और उनको बोलना है कि एक बहुत बड़ी कुश्ती का उत्सव है, उसके लिए तुमको आमंत्रित किया गया है और तुम कुश्ती के मैदान में लेके आओगे. बाहर कोवले पीठ खड़ा होगा, वह बहुत ही शक्तिशाली हाथी है, वह उनको पैरों से कुचल देगा. अगर वह नहीं कुचल पाया तो अंदर चानूर और मुष्टिका दो बहुत शक्तिशाली पहलवान हैं, वो कृष्ण बलराम को मार देंगे. उसके बारे में मैं कृष्ण बलराम के पिता वसुदेव को मार दूंगा, उसके बाद में मैं अपने पिता वसुदेव को मारूंगा, उसके बाद में वसुदेव के भाई देवक को मारूंगा और जो भी राजा देवी देवताओं का समर्थन करते हैं मैं उन सबको मार दूंगा, है ना. तो इस तरह से जो व्यक्ति मन के रथ पे सवार होता है, जो आसुरी व्यक्ति का आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इस तरह से अपनी योजनाएं बनाता रहता है वह. और देन ही थिंक्स that I am the lord of everything, I am the enjoyer, I am perfect, powerful and happy, I am the richest man surrounded by aristocratic relatives, there is none so powerful and happy as I am, I shall perform sacrifices, I shall give some charity and thus I shall rejoice. In this way such persons are deluded by ignorance. To Krishna Bhagwan इस तीन श्लोकों में हमको समझाते हैं कि जो
मन के रथ पे सवार व्यक्ति है वह किस तरह से सोचता है। और हमने अभी आपको बताया कि हमारे मन में जितने विचार हैं, जितनी इच्छाएं हैं, उन सब के कारण हमारे मन में हमेशा उत्तेजना रहती है। माइंड इज ऑलवेज फुल ऑफ द एंजाइटीज। एंजाइटीज ऑफ व्हाट? उत्तेजना किस चीज की? द माइंड ऑलवेज वॉन्ट्स टू हैव द कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंसेस विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स। आवर माइंड ऑलवेज ट्राइज टू कनेक्ट द सेंसेस विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स। और एक बार नहीं, बार बार। मुहु एते दातु चित्तान मात्र स्पर्शेश्चेह मुहु, कि बार बार हमारे इंद्रियों को उसके विषय भोग से जोड़ना चाहते हैं। एंड हमने अभी इंद्रियों के बारे में चर्चा करी, मन के बारे में चर्चा करी। इंद्रियां भी भौतिक है, मन भी भौतिक है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। पहला अंतर तो हम सब जानते हैं कि इंद्रियों को हम देख सकते हैं, कुछ इंद्रियों को देख सकते हैं, नहीं कुछ को नहीं देख सकते, लेकिन मन को हम किसी भी तरह से नहीं देख सकते हैं। द माइंड इज वेरी सटल, वी कैनॉट सी द माइंड। एंड अनदर बिग डिफरेंस बिटवीन द सेंसेस एंड द माइंड is that our senses get tired after working for some time. हमारी इंद्रियां कुछ समय के बाद थक जाती हैं। हमारी आंखें सुंदर वस्तुओं को देखना चाहती हैं, लेकिन सुंदर वस्तुओं को देखते 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 कुछ समय बाद ये थक जाती हैं, उसके बाद में यह विश्राम करना चाहती हैं। ऐसे ही हमारे कान सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कान विश्राम करना चाहते हैं। जीवा खाना चाहती है, लेकिन कुछ समय बाद विश्राम करना चाहती है। बट माइंड इज सच ए पावरफुल थिंग इन अवर एग्जिस्टेंस दैट इट नेवर एवर टेक्स रेस्ट। हमारा माइंड कभी भी विश्राम नहीं करता। It is faster than the wind, faster than the electricity, but still it never take the rest. Still it never take the rest. और इसी कारण से हम सब लोग परेशान भी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कई कई बार कहते हैं कि person is restless. Right? So it's not the person who is restless, restlessness. It's not about the body. It's about our mind. When we say the person is restless, it means the mind is restless. The restless means the mind has got lesser rest. Mind is not taken the rest. And if the mind is full of so many anxieties, so many desires, which are causing the trouble to us, then what we should do? We should give some rest to the mind. But what is happening in this material world? Is भौतिक संसार में क्या होता है? और आजकल जो हो रहा है कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, वह सब वस्तुएं हमारे मन को और ज्यादा उत्तेजित करती है। The things around us causes more anxiety in our mind. And the worst thing in the modern world is the mobile and the social media. As it is, our mind is full of unlimited desires, unlimited plans for sense enjoyment. And the creation of mobile and the social media has made the mind more
restless. And we have the example, some people are so addicted to the use of mobile and the social media that they are not busy, they are not at work. They are simply sitting or maybe chanting the rounds. But still, the mind says, okay, why didn't you check the mobile? Why didn't you check the mobile? Maybe there is some important message for you. Maybe there is something important for you. And even while chanting or during the chanting, the mind will keep taking us again and again to the mobile. And that's the reason we are not happy enough. That's the reason we are not happy. And it's because of the mind we take the birth again and again, again and again, in different species of life. In the Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter number 29, and verse number 63 to 77, Narad Muni is speaking to the king Prachin Barhi. Or in 14 shlokon mein, नारद मुनि प्राचीन बरही को मन के विषय में बहुत सुंदर सुंदर बातें बताते हैं. दैट इट्सेल्फ इज अ मैटर ऑफ अ डिस्कशन फॉर एटलीस्ट एन आवर. तो उस समय नारद मुनि राजा को बताते हैं कि हम सपने में कई कई बार ऐसी चीजें देखते हैं कि जो चीजें हमने ना तो इस जन्म में देखी हैं और सुनी हैं, फिर भी हम ऐसी चीजों को देखते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? कई कई बार हम बोलते हैं ना कि आई सॉ समथिंग इन द ड्रीम बिकॉज इन द डे टाइम आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन. कि मैं दिन में उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था, उस चीज के बारे में सोच रहा था, उसके बारे में सुना, तो इस कारण से मैंने उसके बारे में सपना देखा. लेकिन कई कई बार हम ऐसी चीजों को सपने में देखते हैं जिसके बारे में ना तो कभी हमने इस जन्म में सुना, ना उनको कभी हमने देखा, फिर भी हम सपने में उन चीजों को देखते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? तो नारद मुनि राजा को बताते हैं कि जस्ट टेक इट फ्रॉम मी, कि जो मैं बोलता हूं उसके ऊपर विश्वास करो. कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पूर्व जन्म के अंदर उस चीज को अनुभव किया है. अगर हम इस जन्म में देखते हैं कि हम एक प्लेन चला रहे हैं और हम पायलट नहीं है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इसका अर्थ है कि हम पहले जन्म में पायलट थे, हमने विमान चलाया था और हमारे अंदर इच्छा है, इसीलिए हमारे मन के अंदर वह इच्छा आती है और वह स्वप्न में हमको दिखती है. हम अपने स्वप्न के द्वारा उस इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं. So the point is that even when we are sleeping, the mind is active and trying to fulfill the desires which we had in the previous births. So we have to be very careful, at least in this birth, what we desire. Yam yam vapi smran bhavam tejyante कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता. कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हम शरीर छोड़ते समय जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं, या शरीर छोड़ते समय हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, उस इच्छाओं के अनुसार हम अगली योनि में जन्म लेते हैं. और इस जन्म हमारी जो इच्छाएं हैं, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सिर्फ पिछले एक या दो जन्म की इच्छाएं हैं. The desires keep getting transferred from one yoni to another yoni. हमारी इच्छाएं एक योनि से दूसरी योनि में ट्रांसफर होती रहती है ना, वो चलती रहती हैं. वो है ना, इवन हमारे जो पशु जीवन में इच्छाएं थी, वह इच्छा भी हमारी अगले आने वाली योनियों में चलती रहती है, किसी न किसी रूप में आती है, और अगर वो पूर्ण नहीं होती तो फिर उसके अगली योनि में जाएगी. तो महाराज जी हमको हमेशा बोलते थे
कि हमसे हमारे एक जन्म हमारे मनुष्य जीवन नहीं संभलता। एक जन्म की इच्छाओं के कारण हम इतना दुखी हैं। हमारे एक जन्म की हमारे जन्म का जो मन है उसके अंदर इच्छाएं उसके कारण इतना दुखी हैं। तो हम क्यों बार बार जन्म लेना चाहते हैं हम लोग, और अगर हमें इसको रोकना है तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने मन को, हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं बनती हैं भौतिक सुख की, हम उसको वश में करने का प्रयास करें। जब हम कहते हैं कि मन को वश में करना है तो हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि हम कहते हैं हमको मन को वश में करना है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मन को वश में नहीं कर सकता। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्कृतम। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ध्यान युग के बारे में बताया तो अर्जुन ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। अर्जुन कहते हैं कि भगवान मेरा मन तो इतना चंचल है कि आप बोलें तो मैं वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मैं मन को वश में नहीं कर सकता। तो अगर हम कल्पना करें कि किसी व्यक्ति को बोला जाए कि तुम हवा को पकड़ लो, तो किसी व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है कि वो हवा को पकड़ सकता है, वश में कर सकता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो सिमिलरली इट्स नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द माइंड, मन को वश में करना संभव नहीं है। तो भगवान भी बोलते हैं असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चंचलम। भगवान भी कहते हैं कि असंशयम, कि देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि मनो दुर्निग्रहम माइंड इज वेरी स्टबर्न, है ये चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि अगर तू अभ्यास करेगा और वैराग्य डिटैच, थ्रू प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट वी कैन कंट्रोल द माइंड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट? व्हेन वी से प्रैक्टिस, इट मींस वी हैव टू प्रैक्टिस एंगेजिंग द थ्री फैकल्टीज ऑफ अवर माइंड, एंगेजिंग द थिंकिंग फैकल्टी ऑफ द माइंड in Krishna service, engaging the willing faculty of the mind in Krishna service, engaging the feeling faculty of the mind in Krishna service. And how to engage the thinking faculty of the mind in Krishna service, we have to learn from the devotees. Jo Bhagwan ke bhakt hain, unse humko malum padega ki hum kis tarah se जो हमारा मन है, मन के जो सोचने की शक्ति है, उसको कृष्णा की सेवा में लगा सकते हैं। हमने आपको बताया कि जो सोचने का विभाग है वह क्या करता है, इट मेक्स द प्लान्स फॉर सेंस एंजॉयमेंट। द थिंकिंग फैकल्टी मेक्स अस टू एनालाइज द थिंग्स, मेक्स अस टू इंटरप्रेट द थिंग्स। And Srila Prabhupada, if you look at the example of Srila Prabhupada is the best example in the Kali Yuga who engaged his thinking faculty in fully Krishna service. Through the thinking faculty of the mind, he was always busy in making the plans how to spread the Krishna consciousness. Through the thinking faculty of the mind, he was analyzing the verses and writing the purports. The purports given by the Srila Prabhupada is coming from the thinking faculty of the mind, and it shows how did he engage his thinking faculty of the mind in serving Krishna. Srila Prabhupada engaged the willing faculty of the mind. Willing means eagerness to do something. Srila Prabhupada was so much eager to spread Krishna consciousness that even at the age of 69 he decided to travel to USA. And despite suffering
heart strokes for a couple of times, still he was not deterred from his determination to spread Krishna consciousness in the West. And so that shows how can we engage the willing faculty of the mind in serving Krishna. And the feeling faculty of the mind, causes us to feel the compassion for the living entity. And Srila Prabhupada is the best example. And through his example, he showed that how much compassion he had for the living entities and how much he volunteered to take sufferings on behalf of those living entities. So when we say we have to control the mind, we have to remember we cannot control the mind. Controlling the mind means trying to engage the mind in Krishna service. Controlling the mind means trying to engage the mind in Krishna's service. And Krishna says, give up all the desires from the mind. So giving up all the desires means giving up the material desires. हमें भौतिक इच्छाओं का त्याग करने का है, क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें हमारा मन इच्छा से रहित नहीं हो सकता. Our mind cannot be desireless. That's the nature of our mind. Mind has to have the desires. So we have to replace the material desires with the spiritual desires. We say our mind is always agitated. Our mind is always agitated due to material desires. हमारा मन भौतिक इच्छाओं के कारण उत्तेजित रहता है. And if we replace those material desires with the spiritual desires, then our mind is no more agitated. And the best way to fill our mind with the spiritual desires is to hear Krishna Katha. Going back to the same verse 1534, Narad Muni says, Etad Atur Chittanam Matra Sparsheshyah Muhu Bhava Sindhu Plavo Drishtu Hari Charyanu Varnanam. The mind is always full of the anxieties, but still we can control the mind. How can we control the mind? By Hari Charyanu Varnanam. Hari Charya means activities of Krishna. Anu Varnanam. Anu means constantly. Varnanam means describing. If we engage ourselves in constantly describing the glories of Krishna, then our mind starts becoming calm and calm and calm. And when we do it, then Atmani Evatmana Tushta. Then we find the satisfaction in the self. When we say self, कि आत्मा में तुष्टि प्राप्त करता है, आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करता है, तो हमको ये याद रखना चाहिए कि आत्मा का अर्थ है सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा का अर्थ है परमात्मा और भगवान. महाराज जी हमको बताते हैं कि आत्मा इज सो सूक्ष्म, आत्मा इज सो स्मॉल, कि आत्मा अपने स्वयं के बलबूते पर अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकती. आवर सोल इज वेरी टाइनी, ऑल्दो पावरफुल वेरी टाइनी, but it gets its power through the super soul. And the super soul is controlled by the Lord Krishna. So Atmani Evatmana Tushta means the person finds the satisfaction in serving Krishna. But the point is that we don't train our mind to find satisfaction in serving Krishna. Rather, we take all the times of our mind to find the happiness from the matter. हमारे मन में जब भी सुख भोगने की इच्छा होती है तो हमारे मन को हमेशा लगता है कि अगर मेरे पास धन होगा तो मैं सुखी होऊंगा.
या मेरे पास धन नहीं है तो इसलिए मैं सुखी नहीं हूं। सो द पॉइंट इज दैट यहाँ पे हमको सोचना चाहिए कि हम अधिक धन प्राप्त करने से सुखी नहीं हो सकते। अधिक धन होने का अर्थ नहीं है कि हम ज्यादा सुखी हैं। अगर हमें देखना है कि हम वाकई में धनी हैं कि नहीं, तो हमें ऐसे हमको देखना चाहिए कि हमारे पास कौन सी वस्तुएं हैं जिसको हम धन से नहीं खरीद सकते। इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट इफ यू आर हैप्पी और नॉट, सॉरी इफ यू आर रिच और नॉट, देन वी हैव टू काउंट द थिंग्स विच मनी कैनॉट बाय। तो हम पैसे से क्या, कौन सी चीज नहीं खरीद सकते? हम पैसे से अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, हम पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते, हम पैसे से किसी व्यक्ति का प्रेम नहीं खरीद सकते, हम पैसे से समय को नहीं खरीद सकते। सो इफ माई हेल्थ इज नॉट गुड, अगर हमको लगता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इसका मतलब हम धनी नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमारे आसपास जो व्यक्ति हैं हमसे प्रेम नहीं करते तो इसका मतलब हम वास्तविक रूप से धनी नहीं है। कई कई बार हम कहते हैं कि वी डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, हम बहुत बार बोलते हैं, दिन में कम से कम 100 बार बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। तो जैसे ही हम बोलते हैं तो हमको समझना चाहिए कि वी आर वेरी पुअर, कि हम लोग बहुत गरीब है ना, क्योंकि हमारे पास ऐसी चीज नहीं है जो हम खरीद नहीं सकते हैं। तो जब हम मन को इस तरह से समझाएंगे तब हमारा मन धीरे धीरे शांत होगा और कृष्णा की भक्ति में ज्यादा से ज्यादा लगेगा। तो प्रभु जी माता जी, हम इस श्लोक के ऊपर और भी चर्चा कर सकते हैं लेकिन अभी समय का अभाव है तो हम कथा को यहीं पर विराम देंगे। और किसी भक्त को कुछ प्रश्न है, संदेह है, जिज्ञासा है तो उसको पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट और हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है तो कृपया आप अपना हाथ रेस करें, हम उनको अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु। जैसे आपने मोबाइल वगैरह चीजों के लिए बताया आपने, सोशल मीडिया, तो कभी कभी कुछ भक्त लोग भी आर्गुमेंट करते हैं कि हम तो कृष्ण की सेवा में इसका उपयोग कर रहे हैं, इससे किसी की बहुत सारी कृष्ण की सेवाएं होती जाती हैं, तो ये डिवाइस जो है वो तो बहुत ही लाभकारी है, या तो मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ और साथ में मोबाइल है, या चैंटिंग कर रहा हूँ साथ में मोबाइल है, तो आर्ग्यूमेंट दे सकता है भक्त कि मैं तो श्लोक पढ़ रहा हूँ या मेरा चैंटिंग अच्छा रहे इसलिए इंस्पिरेशनल सभी देख रहा हूँ या तो पढ़ रहा हूँ। तो ऐसी प्रकार की चीजें जब आती है सामने तो उसको कैसे सही तरीके से अवॉइड किया जाए, उनको समझाया जाए, खुद के लिए समझाया जाए। तो प्रभु जो ये विचार मन में आता है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अपना माइक म्यूट करिए। हरे कृष्णा, आप लोग अपना अपना माइक म्यूट करिए। तो जो हमारे मन में इस तरह का विचार आता है तो ये विचार भी हमारे मन की वो शैतानी है। वो अगर हम विचार करें, अगर हमारे मन को बोलें कि तुम प्रभुपाद जी के बारे में सोचो, जब प्रभुपाद जी थे तो उस समय मोबाइल था, उस समय सोशल मीडिया था, नहीं था है ना? तो लेकिन प्रभुपाद जी ने बिना मोबाइल के, बिना सोशल मीडिया के जो कुछ किया, जितना प्रचार किया,
वह पूरा इस्कॉन का समाज मिलके भी नहीं कर सकता, ना अभी कर सकता है ना आगे भी कर पाएगा। ना प्रभुपाद जी से पहले जाएं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखें, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर को देखें, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को देखें, नहीं उन्होंने जितना किया, जितने कृष्ण भावना भावित थे उस समय, क्या मोबाइल था उस समय, सोशल मीडिया था, नहीं था, है ना। प्रभुपाद जी ने कितने भक्तों के साथ कम्युनिकेट किया है ना, ऐसे समय पर जहां पर ना तो ईमेल थी ना कोई सोशल मीडिया था, फिर भी जितने खत प्रभुपाद जी ने लिखे उतने खत इस्कॉन में मेरे हिसाब से किसी भी भक्त ने नहीं लिखे होंगे, है ना। और उतने मैसेजेस भी नहीं दिए होंगे सोशल मीडिया में कि दूसरों को, है ना, सोशल मीडिया होते हुए भी, है ना। तो यह सब प्रभु जी हमारे मन की शैतानी है, और हमारा मन है जो सोशल मीडिया के बिना रह नहीं सकता, इसलिए हमारे मन इस तरह के तर्क और वितर्क देता है ना। और जहां तक मेरा सवाल है प्रभु, मैं मोबाइल को बहुत कम यूज करता हूं, इवन भागवतम भगवद गीता के लिए, है ना। और जहां तक संभव होता है हमेशा मेरे पास बुक रहती है, अभी भी जो मैंने श्लोक पढ़ा है ये बुक से पढ़ा। अगर आप श्लोक को स्क्रीन में दिखाएंगे तो भी उसको स्क्रीन में नहीं देखूंगा मैं उसको बुक में ही देखूंगा मैं, है ना। क्योंकि जितनी शक्ति, जो शक्ति इन भगवद गीता की जो प्रभुपाद जी ने बुक्स दिए हैं और जो शास्त्रों में है, उतनी शक्ति ये किसी भी मोबाइल के अंदर नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया में नहीं है ना। हम हमेशा इस बुक को हम ऐसे माथे से लगाते हैं ना, श्रीमद् भागवतम की आरती उतारते हैं, राइट। तो पहले भी होता था, अभी भी होता है, आगे भी होएगा। और यही बुक, यही भागवतम हमारे मोबाइल में भी है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल को ऑल्टर में रखेंगे और उसकी आरती उतारेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, उसको सिर पे लेके जाएंगे, राइट। बिकॉज उसके अंदर इतनी पोटेंसी नहीं है, राइट। सो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। वेरी नाइस। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी से नेक्स्ट लेक्चर में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। और कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सब ग्रुप में हो जाएगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय। थैंक यू प्रभु। वांछा कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। वैष्णव ग्रंथ की जय। शिला गुरुदेव की जय। शिला प्रभुपाद की जय।